बीच सहमति है। बिल्कुल ठीक है, वो क्विक सिंगल जब लिया था लाल निशान में था, अब बढ़िया इन ग्रीन एशियन पेंट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक हेस्टर बायोसाइंसेस को स्क्रीन पे कीजिएगा, वो हर्षदा मेंशन कर रही थी कुछ एनिमल वैक्सीनेशन रिलेटेड अपडेट्स इनकी तरफ से आते हुए, बढ़िया मूव ये स्टॉक दिखा रहा है हेस्टर बायोसाइंसेस। और कविता जी आप जरा देख के बताइएगा, है तो इलिक्विड स्टॉक पर वो खबरें थी तो इसीलिए सिर्फ चार्ट चेक, 10% के आसपास कमजोर बाजार में उछाल। आशीष जी, सो काउंटर जो है वो फिलहाल अपनी एवरेजेस रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज 100 डेज ईएमए। वंस उसे क्रॉस कर पाता है, क्योंकि इस काउंटर मोमेंटम में है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशन किसी ने बनाई है तो मुझे लगता है 2080 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है इट्स पॉसिबल है, काउंटर में मोमेंटम अगर बरकरार रहता है 2260 तक के लेवल्स की तरफ ये इन अ डे और टू बढ़ता हुआ दिख सकता है। इमीडिएट टारगेट्स जो मुझे लगते हैं अबाउट 2216, दैट शुड बी 2230 2260, इन लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। सिंस काउंटर इन लिक्विड है, आई बिलीव एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें 2080 के साथ। परफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिए बहुत ही लिक्विड है, बहुत ही लिक्विड काउंटर, इस बात को ध्यान में रख के ही कोई ट्रेड इनिशिएटिव जान दीजिए, इसको चीजें सिर्फ देखने के लिए अच्छी रहती हैं। चार का चौका अब आपकी स्क्रीन पे, उसका टीजर लेकर आ रहा हूं, आज का सस्ता ऑप्शन, सचिन आप प्लीज रेडी रखिएगा, एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए, गाबा सर एक वायदा बाजार की बढ़िया सी पिक। जी, चार्ट का चमत्कार, चंदन के पास जाएंगे, चंदन ने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे, इसमें एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे तो आ गया हमारे पास केपीआईटी टेक। चार्ट पे और क्या पसंद आ रहा है चंदन को, उस पर बातचीत। और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ आज होंगे रॉकस्टड, अरे जुड़ गए रॉकस्टड कैपिटल से अभिषेक अग्रवाल साहब। अभिषेक जी आ रहा हूं, थोड़ा सा बाजार पे भी और थोड़ा सा बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग पे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वीरू एक बार जरा स्कैन रन कर लिया जाए, ब्रेथ डिटोरिएट हुई है और ठीक है, पहले लग रहा था कुछ आईटी आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो नेट नेट यही हुआ है कि अभी भी सवाल